तारापुर के अनुमंडल अस्पताल में दिव्यांग शिविर असरगंज और तारापुर प्रखंड के लिए किया गया। उमड़ी सैकड़ों की संख्या में भीड़। बता दें कि कई वर्षों के बाद 3 वर्ष से 18 वर्ष सरकार की तरफ से एक सर्वे कराया गया था। इस सर्वे में विभिन्न गांव मोहल्ले में काफ़ी संख्या में दिव्यांग बच्चे मिले, जिसका अब तक दिव्यांग प्रमाण पत्र से वंचित था। इसी को देखते हुए तारापुर के अनुमंडल अस्पताल में दिव्यांग शिविर में डॉक्टर निरंजन कुमार हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर के रंजन मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर किष्टो आँख रोग विशेषज्ञ, बुनियाद स्वास्थ्य केंद्र के तरफ से फिजियोथेरेपी में डॉक्टर ज्ञानदीप, वहीं कान की जांच में डॉक्टर प्रीति प्रवाह के रूप में सेवा में उपस्थित थे। वहीं कुल 175 रोगी का प्रमाणीकरण किया गया, जिसमें अधिक आज तारापुर अनुमंडल अस्पताल में दिव्यांग शिविर था। हम चाहेंगे, क्या कहते हैं कि इस संबंध में कुछ बताना चाहेंगे। ये पहले से ही डिस्ट्रिक्ट से डेट तय था, उसके हिसाब से आज 3 साल से ऊपर और 18 साल तक के व्यक्ति का दिव्यांग का जांच होना था और उसका UDID सर्टिफिकेट इशू होगा, जो कि थोड़ा समय उसमें लगता है। इसमें 3-4 तरह के डॉक्टर्स आए थे, स्पेशलिस्ट, जैसे हड्डी से संबंधित डॉक्टर निरंजन सर, CP जो मानसिक रोग से थोड़ा कमज़ोर हैं उनके लिए डॉक्टर के रंजन, आँख से संबंधित के लिए डॉक्टर किस्टो, और कान और मुख बधिर के लिए वो बुनियादी सेवा केंद्र से गाड़ी आई हुई थी। इसमें के सारे लोगों का जांच हुआ, उनका सही तरीके से यहाँ पर आंकलन करके परसेंटेज बैठाया गया है, जो कि अभी गुप्त है, और वो वहाँ से सर्टिफिकेट बन के आएगा तब बताएंगे। सबसे ज़्यादा किस तरह का रोगी देखने को मौका मिला यहाँ? सबसे ज़्यादा हड्डी से रिलेटेड रोगी थे, डॉक्टर निरंजन कुमार के द्वारा देखा गया। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर BN सिंह, प्रभारी उपाधीक्षक अनुमंडलीय अस्पताल तारापुर।